नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। सिंसर बर्गर के कितने बड़ा कलेजा होगा, कितना बड़ा हिम्मत का निर्णय होगा, दुश्मन क्या करेगा, ये वही कर सकते जो कायरपन का पहचान। ठीक है, उनके व्यक्तिगत जीवन से उनके चार पुत्रों का बलिदान हुआ, माता जी का बलिदान हुआ, बाकी बलिदान हुए, लेकिन ये कोई उनकी मां को डिगा नहीं सका, कोई उनको हिला नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। उन्होंने कहा ये मेरा पूरा बाकी बचा हुआ समाज और अपने उस कष्ट को अपने दिल पे महसूस करते हुए भी उनने उस मार्ग में कदम बढ़ाया जिसके कारण से वो जाने जाते थे, जो गौरवशाली परंपरा थी। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन और पूरा हमारा ये नानक देव जी से लगा करके दशम गुरु तक का और बाद के लिए भी उन्हें रास्ता दिखाया है, जिसके कारण से दुनिया में भारत की पहचान सदैव सदैव रही है। क्या गुरु परंपरा पे ही उन्हें रास्ता बदल के हमको गुरु ग्रंथ साहिब दे दिया कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में आप कष्ट ले सकते हो, लेकिन इस ज्ञान मार्ग से सदैव पूरा देश आलोकित रहेगा, ये कभी पीछे नहीं हो सकता। और जिसके कारण से वास्तव में हमारा अपना जो सनातन या भारत की जो गौरवशाली परंपरा है वो और आलोकित और अपने मार्ग में प्रशस्त हुई, मजबूत हुई। मेरी अपनी ओर से इस वास्तव में ये बलिदान ये हमको सदैव प्रेरणा देता रहेगा और हिंदुस्तान का तो दाहिने भुजा का मजबूत हिस्सा पंजाब हरियाणा और आप सबके माध्यम से ही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बात को गौर किया है कि 26 तारीख के वीर हमारा जो एक तरह से वीर बाल दिवस कब हो रहा है, ये अलग बात है कि उसको राजनीतिक नजरिए से लोग देखते हैं, असली में तो हमारे ऐसे ही दिवस से ही तो उसका मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूँ जिन्हें इस दिशा में कदम बढ़ाया। और हमारे लिए और महत्व की बात इस नाते से भी है, मैं अपना यशस्वी प्रधानमंत्री की इस बात के लिए भी सराहना करता हूँ कि हमने नई शिक्षा नीति लागू करके हमको भी प्रेरित किया है कि नई शिक्षा नीति लागू करे। और नई शिक्षा नीति में मैंने मध्यप्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहते जो आप बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन का ये पक्ष भी लेकर के हम आए पाठ्यक्रम में, उसको जगह दी है कि हमारी शिक्षा गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। सच्चे अर्थों में उसका स्थान वही है सभी शिक्षा में, जीवन भर के लिए विद्यार्थी को उनके ऐसे सारे बलिदान की बाकी जीवन के कई ऐसे पक्ष की जानकारी आना चाहिए।